सो गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। अभी जस्ट ये कोरियर आया, मैंने एक्चुअली ऑर्डर किया था अपना जिम बैग। तो मेरे पास एक्चुअली ये सब सामान रखने को था नहीं, तो मैंने सोचा कि ये मंगा लिया था, तो मैंने ये जिम बैग मंगाया। देखते हैं इसको। परफेक्ट है, मतलब एकदम बढ़िया, नीविया का है, मस्त। आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब आराम से मैं बिग बॉस देखूंगा क्योंकि स्टार्ट हो चुका है बिग बॉस अपना। और उसके बाद मेरे को थोड़ा कुछ काम भी है अपने कॉलेज का, तो वो भी करूँगा और बताऊँगा आपको उसके बारे में। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतने दिनों से व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं अपने कॉलेज के काम में बहुत ज़्यादा बिजी था। और मेरे को 2-3 बार कॉलेज जाना भी पड़ा। उन्होंने मेरे को बोला था कि यू हैव टू सबमिट योर ओरिजिनल 10th क्लास की मार्कशीट, और 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो मेरे पास थी। बट मेरे को ये लगा कि 10th क्लास की ओरिजिनल क्यों चाहिए इन लोगों को, मुझे नहीं पता था। सो उन लोगों ने बोला कि आपको हम रिसिप्ट देंगे एक, कि वी आर टेकिंग योर मार्कशीट फॉर वेरीफिकेशन। तो मैंने बोला ठीक है, मैं पापा से बात करके बताता हूँ आपको। तो परसों मैं गया था अपने कॉलेज अपनी ओरिजिनल मार्कशीट देने, और मेरे को कुछ काम और था। मेरे को बुक्स इशू का प्रोसीजर पता करना था मैम से कि भाई क्या उसमें प्रोसीजर क्या है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप जब आपका ओरिएंटेशन होगा जिस दिन, और मेरा ओरिएंटेशन की जो डेट है वो है 7th ऑफ अक्टूबर। एंड फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे 11th से कॉलेज प्रॉपरली ऑफलाइन शुरू हो जाएंगे, एंड मैं जाने लगूँगा अपने कॉलेज। बस आएगी, खैर आराम से बस से आऊँगा तो वो ज़्यादा सही रहता है। बाकी देखते हैं कैसा रहेगा। और ओरिएंटेशन वाले दिन ही मैं अपनी बुक्स वगैरह सारी इशू कर लूँगा। जो जिम में मेरा वर्कआउट होने वाला है वो बैक और बाइसेप होगा, और बैक बाइसेप इसलिए होगा क्योंकि कल भी मैं बैक करने गया था बट वो प्रॉपरली हुआ नहीं। एंड मेरे कुछ स्कूल के दोस्त आ गए थे क्योंकि उनका जिम बंद था, तो उन्होंने बोला कि भाई हम तेरे जिम में करेंगे वर्कआउट। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो वो लोग आए थे और मैं आज बैक और बाइसेप करने वाला हूँ प्रॉपर, जिसे बोलते हैं। सो यस, मैं अभी जस्ट उठा हूँ और अब मैं टाइम देखा है मैंने तो एग्जैक्ट टाइम हो रहा है अभी 4:57, मतलब ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। तो अभी मैं तैयार हो जाता हूँ और प्री वर्कआउट मील वगैरह जो भी था मेरा वो मैं लेता हूँ, और ब्लैक कॉफ़ी लेके अपना चलते हैं जिम। सो आर प्री वर्कआउट मील इज़ रेडी। तो मैंने लिया है 2 मैश्ड पोटैटोस एंड थोड़ा सा दही और ब्लैक कॉफ़ी, जो रेगुलर मेरा होता है, मैं हर बार आजकल यही ले रहा हूँ। सो मेरे को ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा पंप वगैरह थोड़ा सही आता है, तो मैं इसको अब लेना स्टार्ट किया है मैंने। एंड दैट्स इट, मैं इसको जल्दी से ख़त्म करता हूँ, चलते हैं जिम। Oh,
मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। क्रिएटिव है भाई ये, ठीक है। पानी में डाल रहा है, एंजॉय ऐसे बोल दिखाई सर। 500 ग्राम ड्रग्स के लिए कितना पानी है? 200 ग्राम होगा, हाँ होगा, ये डाल दे इतना ही आप। कोई ग्रिप नहीं है इसके पास, ये लौंडा हवा में उड़ रहा है, ऐसे कैसे अटक सकता कोई? The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony until one day a young man catches fire. This is Phoenix. पॉकेट मनी है? पॉकेट मनी, पॉकेट मनी घर से आता है ना। अच्छा घर से आता है, ड्रेस खरीदने के लिए आया है तो एक ड्रेस खरीदे और एक पाई। सही है भाई, मैं तो भाई ये खरीदा है, अभी देखते हैं बाकी अगर हुआ ना तो ये सप्लीमेंट प्लस ये। कड़क माल है भाई, मैं ले रहा हूँ आज प्रोटीन, इस भाई ने मेरे को दिया है, थैंक्स ब्रो, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, इनके पास पूरा स्टैक पड़ा हुआ है तो मैं आज पहली बार 20 सारे स्टेरॉइड्स यही लेते हैं। ठीक है, तो आज भाई प्रॉपर कर रहे हैं और देखते हैं आज क्या होता है। बढ़िया पंप आया वैसे तो आज वर्कआउट का। ठीक है, मज़ा आएगा। How was it? Correct, Mal?